Hello friends, welcome to our crypto discussion YouTube channel Moon Crypto Girl. In today's video, we will discuss about how to use stop limit feature. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्टॉप लिमिट फीचर को यूज कर सकते हैं और इसे यूज करके कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कुछ लॉसेस को अवॉइड कर सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉप लिमिट फीचर बहुत से डिफरेंट एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे बाइनेंस को ओपन कर लिया है। बाइनेंस पर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर एंड स्टॉप लिमिट ऑर्डर तीन फीचर मिलते हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर अच्छे से समझने के लिए हम पहले लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट ऑर्डर के अंदर हमें प्राइस एंड अमाउंट को फिल करना होता है। यहाँ पे आप अपना प्राइस चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी प्राइस पर बाइंग और सेलिंग करनी है यहाँ पे आप वो प्राइस पुट कर सकते हैं। जब भी ये प्राइस टच होगा तो वहाँ पे आपकी बाइंग और सेलिंग हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको जितनी भी अमाउंट का बाय और सेल करना है वो अमाउंट पुट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल फीचर है जो कि यूजुअल बाइंग और सेलिंग के लिए काम आता है। इसके बाद में आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर के अंदर आप यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर सकते। जो भी करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी पर आपकी बाइंग और सेलिंग होगी। ये फीचर आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको कोई भी कॉइन्स इंस्टेंट बाय और सेल करने हो, तो उस टाइम पर मार्केट ऑर्डर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। इसके बाद में आता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है स्टॉप प्राइस और दूसरा होता है लिमिट प्राइस। स्टॉप प्राइस वो प्राइस होता है जिसको टच करते ही आपकी बाइंग या सेलिंग हो जाएगी और लिमिट प्राइस होता है द एग्जैक्ट प्राइस जिस पर आपकी बाइंग और सेलिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि आपको BTC को बाय करना है कि जब भी BTC का प्राइस $10,000 टच हो जाए तब आप इसकी बाइंग $10,020 पर कर रहे हैं। तो आप इसको कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप स्टॉप प्राइस एंड लिमिट प्राइस को सेम भी रख सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बाइंग आप लिमिट प्राइस को ज्यादा रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल है एंड इन केस ऑफ सेलिंग आप लिमिट प्राइस को स्टॉप प्राइस से कम रखिए। यहाँ पे आपका एक्चुअल बाइंग और सेलिंग अभी तक हुआ नहीं है। जब प्राइस स्टॉप प्राइस को टच करेगा तब आपका ऑर्डर लिमिट प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। सो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कुछ लॉसेस भी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर लगता है कि BTC का प्राइस अभी कम आएगा तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे अपनी टॉप प्राइस पर एक बिड लगा सकते हैं कि जब भी प्राइस आपका इतना आए तो आपकी बाइंग इतनी अमाउंट पर हो जाए, सो दैट आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। एंड यही चीज आप सेलिंग के अंदर भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना प्राइस सेट कर दें कि जब प्राइस 13,500 को टच होगा तो आपका एक ऑर्डर $13,300 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये ऑर्डर बुक के अंदर शो नहीं होता है। सो इन केस आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी स्पॉट है और अगर ये क्रॉस हो जाती है तो प्राइस कितना भी नीचे जा सकता है, तो उस केस के अंदर आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर को यूज करके आप हिडन ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ये ऑर्डर आपको ऑर्डर बुक के अंदर शो नहीं होंगे। ये ऑर्डर आपको तब भी ऑर्डर बुक के अंदर शो होंगे जब आपका प्राइस टॉप प्राइस को टच हो जाएगा, तब ये ऑर्डर ऑर्डर बुक के अंदर आएंगे। जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है वो भी इन्हीं का यूज करती है पंप एंड डंप करने के लिए। सो अगर आपको कभी भी ज्यादा अमाउंट में कोई भी कॉइन बाय या सेल करना हो तो उस केस के अंदर आप अपना स्टॉप लिमिट ऑर्डर ही लगाइए, सो दैट वो आपका ऑर्डर बुक के अंदर भी ना शो हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्राइस ऑर्डर बुक के अंदर शो होता है तो उस केस के अंदर हो सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ माइनर मैनिपुलेशंस आ जाए एंड आपको कुछ लॉस बियर करना पड़े। सो जब भी आपको ज्यादा अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करना हो तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर को यूज करके करिए, सो दैट आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। सो गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि आप कैसे स्टॉप लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप यहाँ पे बाइनेंस का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर के ऊपर, जो कि आपके काफी सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। सो गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है और आप कैसे इसका यूज करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कुछ लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। Thanks for watching. This is Moon Crypto Girl signing off for the day. Bye bye. Take care.